बच्चे लोग, यहाँ पे जो टॉपिक है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक है। एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर एक वेज दे रखा है, वेज का कोई मास नहीं है, यहाँ पे वेज फिक्स है, एंगल यहाँ पे 37 डिग्री दे रखा है। एक 20 kg का ब्लॉक है, एक 4 kg का ब्लॉक है। ये पता लगाना है कि एब्सोल्युटली स्मूथ सर्फेस है। ध्यान में रखें कि कोई स्मूथ सर्फेस है, तो स्मूथ सर्फेस का मतलब फ्रिक्शन की कोई बात नहीं होगी। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। अब इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये पता लगाना है कि ये दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात करेंगे, और वो सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर जो 4 kg वाला ब्लॉक है उसमें 4g का फोर्स लगेगा नीचे की ओर, और ऊपर की तरफ एक टेंशन लगेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे रस्सी के इस हिस्से में भी टेंशन T लगेगा, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया ऑलरेडी, 20g sin 37, क्योंकि यहाँ पर एंगल 37 है, तो साइन वाला कंपोनेंट जो है वो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। 20g × 3/5 sin 37, 3/3 इस तरह से 3, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन। 3/5 तो 5 4 20, तो यहाँ पे 12g आया, यानी यहाँ पर जो फोर्स इफेक्टिव फोर्स होगा वो होगा 12g। यहाँ पे 4g है, यहाँ पे 12g है, तो इसकी वजह से ये वाला सिस्टम नीचे की तरफ आएगा और ये वाली चीज ऊपर की तरफ जाएगी। अब एक सिंपल सी इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 12g नीचे की तरफ डायरेक्टेड है और ऊपर की तरफ -t, तो 12g - t इज इक्वल टू 20a। एक इक्वेशन ये हो जाएगी कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ की बात करेंगे तो टेंशन ऊपर की तरफ है, 4g नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन होगी t - 4g इज इक्वल टू 4 × a। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये t और t कैंसिल हो जाएगा, 12g - 4g, तो मेरे ख्याल से 8g आएगा। यहाँ पर 8g होगा, यहाँ पे 8g, और यहाँ पे 24, यानी a की वैल्यू आ जाएगी g/3। तो आप आराम से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। साथ में आप इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे a की जगह, तो t निकाला जा सकता है। तो ये काम आपके लिए हमने रख दिया। हम लोग चलते हैं आगे, एक अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 4g का सस्पेंडेड मास है, 5 kg का यहाँ पर, फिर से सरफेस एब्सोल्युटली स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पर 5 kg है, इसलिए 5g sin 37 एक्ट करेगा। सॉल्व करने पर 5 5 कैंसिल, यानी 3g। यानी इधर की बात करेंगे तो 3g, यहाँ की बात करेंगे तो टेंशन T, यहाँ की बात करेंगे तो टेंशन T। इस इक्वेशन बनाएंगे, अब ये पता चल रहा है कि ये 4g का इफेक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो ये सिस्टम नीचे जाएगा और ये सिस्टम ऊपर जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह, 4g - t, 4g - t इज इक्वल टू 4a। और ये क्योंकि सिस्टम पूरा ऊपर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा t - 3g इज इक्वल टू 5a। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो t और t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा g, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर 9 आएगा, 9 को हम नीचे लिखेंगे और ये हो जाएगा a। अब आप इस a की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके t की वैल्यू को निकाल सकते। आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पे 3g का सॉरी 3 kg का मास है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ डायरेक्शन जो फोर्स होगी वो आपकी 3g लगेगी। यहाँ पर 5g, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, डाउन द इंक्लाइन साइन कंपोनेंट एक्ट करता है, तो यहाँ पर 5g sin 37, ये वैल्यू 3g आ रही है, यानी इस पर 3g का इफेक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ पे 3g का इफेक्टिव फोर्स, यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉडी का मूवमेंट है वो तो है ही नहीं। हाँ, टेंशन जरूर है, एक्सेलरेशन तो 0 है और टेंशन 3g के बराबर है।
आई होप ये सिंपल एक्सप्लेनेशंस आपको न्यूटन्स लॉ की तरफ हेल्प करें।